कहानी दोस्ती यारी। दूर एक पिंड विच नवा व्याया जोड़ा रहिंदा सी। दोवे दिन पर तिखी धुप विच खेत विच मजदूरी करदे ते शाम नू घर आके अपने पैसे पिता जी नू दे देंदे। थोड़े पैसे कढ़ के पिता जी बाकी सारे गोलक विच पा देंदे सी। कुछ दिन बाद गोलक भरन लगी तां पिता जी ने अपने बेटे नू कहा, बेटा हुण तू जिम्मेदार बन गया है। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। कुछ समय बाद उन्हां घर दो पुत्र हुए, एक दा नाम बलराम ते दूसरे दा नाम किशन रखिया। हौली हौली ओ वड्डे हुए ते उन्हां दे माता पिता नूं उन्हां दी चिंता होण लगी। एक दिन उन्हां दे मां अते पिता जी अपने पोतरियां नूं मिलण आए। उदों पिता जी ने अपने बेटे नूं वेख के कहा, की होया पुत्र, इन्नी चिंता विच क्यों है? पिता जी दरअसल गल ए है कि साडे बच्चे वड्डे हुंदे पए ने ते असी उन्हां नू सुखी जिंदगी देना चाहुंदे हां, पर खेत विच काम करके लगदा है कि असी उन्हां नू सुखी जीवन नहीं दे सकदे। की कर सकदे हां? कोई गल नहीं पुत्तर, इन्हां नू चंगे स्कूल विच भेज दो। पर ओ तां बड़ी दूर शहर विच है। कोई गल नहीं पुत्तर, जमाना बदलदा पिया है अते सानू इस नेक काम विच देर नहीं करनी चाहीदी। चंगी सिख्या मिलेगी ता मेरे पोतरे तेरे वांगू मेरा नाम रोशन करनगे। ए सुन के ओना दी मां ते दादी दा दिल भर आया ते ओना ने हसदे होए बच्चियां नु समझाया। बच्चे बड़े ही खुश हो गए। ओ शहर वेख के हैरान रह गए ता ओना दी मां ने कहा कि साडे बच्चे साडे बिना इत्थे रह सकणगे? साडे बेटे जरूर खुश रहणगे। ओ दोवे पहुंच के प्रिंसिपल नु मिले अते स्कूल दी पुछगिछ करन लगे। ओना दी तसल्ली दे बाद प्रिंसिपल ने कहा, असी थोड़े बच्चा नू लेन दे ले स्कूल बस भेजांगे, ओ बस तैयार रहन। दूर एक बदमाश ने ओना दियां गल्लां सुनिया ते बच्चियां नू अगवा करन दा प्लान बनाया। दोवे बच्चे अपने माता पिता दे विछड़न दे गम नाल दुखी सन अते ओना दी मां नू भी ए तकलीफ सता रही सी। पर ओना दे पिता ने ओना नू दिलासा दे के कहा, इन्ना दुखी ना हो, ए ता असी इन्हां नू काबिल बनाउण लई भेज रहे आ। जल्दी बैठो, असी बड़ी दूर जाना है। बड़ा लंबा सफर करन दे बाद बदमाश ने दोवां बच्चियां नू गड्डी तो हेठां लाया ते फैक्ट्री दे अंदर भेज दिता। जिवें ही बच्चे अंदर गए ता ओ वेख के हैरान हो गए। इस स्कूल विच बच्चियां नू जुतियां खिडौने ते बेल्ट बनाउंदे वेख के उन्हां नू कुछ ठीक नहीं लगा। उन्हां ने किसे कोलों पुछया, इस स्कूल विच साडे कोलों काम करवाउणगे? अमर ने ओना नू अपनी बोली विच हस के दस्या, ओ पागल हो गया मुंडिया, इत्थे सानू सारे नू किडनैप करके लियांदा गया है, ए स्कूल नहीं है, चल तैनू काम सिखाउना। बलराम नू कुछ ठीक नहीं लगा ते उसने किशन नू बाहर भज्जण दा इशारा कीता। दोवें ध्यान नाल देख के दरवाजे तो भज निकले, पर उदों ही बदमाश ने उत्थे आके बलराम नू दबोच लिया। बलराम ने चीख के कहा, भज किशन भज, मम्मी डैडी नू लेके आ। किशन उत्थों तेजी नाल भज गया, पर बदमाश ने बलराम नू फड़ के कहा, मेरी गल सुन, ओ वापिस नहीं आऊगा ते तू इत्थों जा नहीं सकेगा हुण कदी। हां ए कह के उसने बलराम नू अंदर बाकी बच्चियां दे कोल भेज दिता। किशन भज के दूर एक ऋषि मुनि दे आश्रम विच आ गया अते ओ ओथे ही एक साधु नू मिलिया। साधु ने ओनू पुछया, तू कित्थों आया है बालक? किशन बड़ा घबराया होया है ते उसने कहा, मेरे वीर जी नू ओना ने फड़ लिया है। ए सुन के साधु हैरान होया ते पुछया, तेरा घर किथे है? बड़ा छोटा होन करके ओ जगह दा नाम चंगी तरह दस नहीं सी पा रहा, पर ओदी परेशानी वेख के साधु ने उसनु दिलासा दिता, पुत्र तू अपनी सारी चिंता भुल जा,
कुछ दिन बीत गए, किशन उन्हां कोलों सब सिखन लगा। गल्लां ही गल्लां विच उसने अपने घर दा हुलिया दस्या, ते फिर साधुआं ने पुलिस नूं खबर कर दित्ती। इंस्पेक्टर साहब, ए बच्चा साडे आश्रम विच आया ते एदिया गल्लां तों लगदा पिया है कि एह नेड़े देई किसी पिंड विच रहिंदा है। इंस्पेक्टर साहब ने आस पास दे पुलिस स्टेशना दे विच पुछगिछ कीती ते पता चल्या कि उन्हां दे माता पिता भी उन्हां नूं लभदे पए हन। फिर इंस्पेक्टर साहब ने फौरन उन्हां नूं दस्या ते बच्चे नूं पुछया, पुत्तर तेरा भरा भी सी ना तेरे नाल? हां जी, पर उन्हूं ते बदमाशा ने फैक्ट्री विच ही फाड़ लिया। किशन नाल गल करके इंस्पेक्टर नूं पता चल गया कि बलराम भी आस पास दे इलाके विच ही है। इंस्पेक्टर दे नाल किशन अते साधु शहर दियां गलियां विच घूमदे रहे। किशन ने एक जाणिया पछाणिया खंडर वेख्या ते कहा, ए सी ओ जगह। इंस्पेक्टर ने फौरन गड्डी घुमाई ते उत्थे जाके बदमाश नूं लभ लिया ते बलराम दे नाल बाकी बच्चियां नूं भी आजाद करा लिया। किशन ने अपना समान लिया अते हाथ जोड़ के साधु नूं कहा, धन्यवाद गुरु जी। साधु ने मुस्कुरा के किशन नूं आशीर्वाद दिता अते हाथ विच प्रसाद दिता। ए वेख के बलराम ने ललचा के कहा, मेरी तरफों भी सत श्री अकाल जी। ए वेख के साधु ने मुस्कुराते हुए ओनू भी अपने आशीर्वाद दे नाल प्रसाद दिता। इंस्पेक्टर साहब अपनी गड्डी विच दोवां भरावां नूं लै के उन्हां दे घर दे वल जान लगे। सफर दे दौरान बलराम लगातार बोलदा रहा ते किशन शांति नाल सफर दा मजा लैंदा रहा। मैनूं अपना प्रसाद दे देना। इंस्पेक्टर साहब ए सुन के हैरान हो गए। इंस्पेक्टर साहब दी गड्डी रुकी ते उन्हां ने बच्चियां नूं उन्हां दे मां प्यो अते दादा दादी नाल मिलवाया। उन्हां ने कहा, धन्नवाद तुहाडा इंस्पेक्टर साहब, धन्नवाद जी। धन्नवाद तो सानू बलराम ते किशन दा करना चाहिदा है, इन्ना दे करके तो किन्ने सारे बच्चे अपने घर चले गए ने। इस ओके यार। ए कह के इंस्पेक्टर साहब चले गए, बच्चे अपने घर वापस आ गए। पर बलराम दी बोली सुन के मां बड़ी परेशान हो गई ते पिता नूं गुस्सा आउण लगा। उत्थे ही दूसरे पासे किशन दा शांत सुभाव वेख के उन्हां नूं बड़ी हैरानी हुई। फिर बलराम ने कहा, ओ मम्मी की बनाया है, बड़ी जोरो टेड जी चूहे कुद्दे पए ने। ए सुन के प्यो नूं बड़ा गुस्सा आया ते कहा, चुप कर बेशरम, ए किस तरह दी बोली बोल रहे हैं तू। पिता जी ने ए वेख के ओनू चुप कराया ते कहा, गुस्सा ना कर पुत्तर, ए बलराम बड़ी बदमाश लोका दे विच रहा है, इसलिए यदि बोली इस तरह दी हो गई ते किशन साधु संतन दे विच रह के शांत सुबादा हो गया है, कुछ दिना विच बलराम वापस पहले वर्गा ही बीबा बन जाऊगा। बलराम ने ए गल सुन के सुधरन दा वादा कीता अते दादा जी कोलों सिख्या लई कि अग्गे जाके चंगी संगत विच ही रहेगा। चंगे लोग तुहानू चंगियां गल्लां सिखाउणगे ते बुरे लोग तुहानू बुरा बनाउणगे।